आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग जारी, कोरोना के मामले को लेकर चर्चा। उड्डयन मंत्री भी मीटिंग में मौजूद, जारी हो सकती है कोरोना की नई गाइडलाइंस। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का सदन में बयान, कहा कोरोना से दुनिया प्रभावित, सरकार पूरी तरह से तैयार। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड के वेरिएंट को बताया चुनौती, कहा भारत का मैनेजमेंट बेहतर। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन मोड में केंद्र सरकार, पीएम मोदी आज खुद कोरोना के मौजूदा हालात पर कर रहे हैं समीक्षा बैठक, 3:30 बजे शुरू हुई बैठक। पीएम की समीक्षा बैठक में बड़े फैसले होने की उम्मीद, कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के रोडमैप पर चर्चा हो रही है। आज राज्यसभा में मास्क पहने दिखे उपराष्ट्रपति, सांसदों से की कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने की अपील, कहा आपके जरिए जनता को संदेश मिलेगा। लोकसभा में भी स्पीकर ओम बिड़ला मास्क में दिखे, सांसदों से मास्क पहनने की अपील की। संसद के दोनों सदनों में सांसदों का मास्क पहनना अनिवार्य हुआ, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लिया गया फैसला। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की पुष्टि हुई, देश में अब तक 3 केसेस मिले, गुजरात में 2 और ओडिशा में 1 नए वेरिएंट के मामले सामने आए। देश में BF7 वेरिएंट से संक्रमित 3 मरीजों की तबीयत ठीक है, नए वेरिएंट को लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हैं। कोविड पर पीएम की बैठक पर सभी विपक्षी दलों ने मांग की, कहा चीन से हवाई सेवा जल्द बंद हो। IMA ने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी की एडवाइजरी, लोगों को मास्क पहनने की दी सलाह। IMA के मुताबिक सर्दी जुकाम बुखार होने पर डॉक्टर को दिखाएं, विदेश यात्राओं से बचने की जरूरत। IMA ने लोगों को भीड़ भाड़ में ना जाने की सलाह दी, हाथों को भी सैनिटाइज करने का जिक्र किया। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट, आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर केजरीवाल करेंगे समीक्षा, संक्रमण को लेकर दिल्ली सरकार सतर्क। कोविड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक, राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया निर्देश, सीएम ने सभी को अलर्ट रहने को कहा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा के जिला अस्पताल ने जारी किया नोटिस, डॉक्टर समेत स्टाफ को मास्क लगाने की हिदायत दी। कोरोना से बचाव पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कोरोना के नियमों के पालन करने की सलाह दी, कहा जरूरत लगी तो सख्ती करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में टीम 9 भी मौजूद, कोविड को लेकर जारी किया गया अलर्ट। यूपी में कोविड को लेकर सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश, एयरपोर्ट पर संक्रमण प्रभावित देशों से लौट रहे यात्रियों की जांच होगी। कोविड की तैयारियों पर बोले यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह, कहा कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार, प्रदेश में सभी अधिकारियों और अस्पतालों को अलर्ट किया गया। कोरोना केसेस को लेकर महाराष्ट्र सरकार अलर्ट, आज 3 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की खास बैठक। कोरोना को लेकर कर्नाटक में भी अहम बैठक, सीएम बोम्मई करेंगे अधिकारियों के साथ चर्चा। कोरोना के मौजूदा हालात पर बोले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, कहा कोरोना से लड़ने के लिए हरियाणा के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और दवाइयां हैं, लोगों से मास्क पहनने की अपील की। दुनिया में बढ़ते कोरोना मामलों के बाद अलर्ट पर केंद्र सरकार, एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच शुरू, जल्द जारी होगी नई गाइडलाइन। चीन के अस्पतालों में बढ़ी कोविड के मरीजों की तादाद, अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी। चीन में कोरोना से मौत के आंकड़ों को छुपा रही सरकार, सही आंकड़े नहीं दे रही है। चीन के अस्पतालों में बेहाल है मरीज, बेड की कमी की वजह से इलाज में दिक्कत आ रही है। चीन में तेजी से बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े, शवदाह गृहों में भी काफी भीड़। वेरिएंट BF7 कमजोर इम्यूनिटी वालों पर घातक, चीन में बुजुर्ग सबसे ज्यादा इंफेक्टेड। चीन में कोरोना विस्फोट पर WHO का बयान, चीन में कोरोना लहर के पीछे कई वजहें जिम्मेदार। WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वैन का बयान, ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक वेरिएंट। WHO के मुताबिक दुनिया में इंफेक्शन के मामले बढ़े, वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाना होगा।
BF7 कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर बुखार, थकान जैसे दिखते हैं लक्षण। लोगों को पेट दर्द जैसी समस्याएं भी होती हैं। चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में मिला था BF7 वेरिएंट का पहला केस। अमेरिका, यूके, बेल्जियम, जर्मनी में सामने आ रहे मामले। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी, बूस्टर डोज लगवाने से घटेगा खतरा। चीन में कोविड-19 को लेकर WHO प्रमुख ने जताई चिंता, कहा वैक्सीनेशन रेट कम होने की वजह से बड़ी आबादी को संक्रमण का खतरा। चीन ने तेज किया कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, शंघाई में 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को दी जा रही बूस्टर डोज। चीन में पाबंदियों के जर्मनी ने चीन भेजी अपनी कोविड वैक्सीन। जर्मनी ने अपने नागरिकों के लिए निजी वैक्सीन भेजी है। चीन में पाबंदियों के हटने की वजह से तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। कोरोना से चीन के कई इलाकों में मचा हाहाकार। चीन के अस्पतालों में सभी बेड भरे हैं, मेडिकल स्टोर्स में दवाएं खत्म हो रही हैं। बढ़ते संक्रमण के बाद टेस्टिंग सेंटर के बाहर लगी लोगों की भीड़, टेस्ट के लिए घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। चीन में 7 दिन में 15,548 केस और 7 मौत दर्ज। एक्सपर्ट्स को सही आंकड़ा छुपाए जाने की आशंका, कई गुना हो सकती है मरीजों की संख्या। चीन में BF7 सबसे ज्यादा शक्तिशाली वेरिएंट, पहले संक्रमित हो चुके लोगों, फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को भी बना रहा बीमार। BF7 जल्दी संक्रमित करता है, लक्षण भी पुराने कोरोना वेरिएंट्स के मुकाबले जल्दी सामने आते हैं। बढ़ते संक्रमण की वजह से बीजिंग के कई इलाकों में सड़कों पर पसरा सन्नाटा, लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। स्कूल और चाइल्ड केयर सेंटर्स को बंद किया गया। चीन में कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा, एम्बुलेंस के लिए लगातार आ रही हैं कॉल्स। अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को नहीं मिल रही जगह। बीजिंग समेत चीन के कई बड़े शहरों में दवाइयों के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, घंटों कतार में लगकर लोग दवा ले रहे हैं। वायरल वीडियोज में मेडिकल स्टोर के बाहर लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से अस्पताल में तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या, अस्पतालों में हो रही बेड की कमी। कोरोना संक्रमण के डर से लोग प्रोटेक्टिव बबल पहनकर कर रहे हैं शॉपिंग। मॉल और दुकानों के बाहर शॉपिंग के लिए लोगों की उमड़ी भीड़।